हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉक के अंदर। आज एक बार फिर से हाजिर है हम एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, जो है हमारी बैक पेन सीरीज की 7th एपिसोड, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस। इससे पहले हमने कवर किया था कि हमारी स्पाइन के अंदर अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स है, यानी कि आपके डिस्क वो बाहर आ चुके हैं, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं या उसके पेन को आप कैसे घर बैठे बैठे आसानी से उसको कम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, ऊपर आई बटन के ऊपर भी उसका लिंक है, जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में, कुछ ऐसी 4 से 5 एक्सरसाइजेस जिससे आपकी जो स्पाइन की मोबिलिटी है वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। ये थोड़ा स्टिफ लग रहा है लेकिन आपकी स्पाइन की मोबिलिटी जरूर अच्छे से बढ़ जाएगी। कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी जो स्पाइन है, जो बेंडिंग है, जो कर्वेचर है, जो मोबिलिटी है, जो जिससे आपका डिस्क को न्यूट्रिशन मिलता है, वो मोबिलिटी आप दोबारा से अपनी रीगेन कर सकते हो और अपने पेन को लंबे टाइम के लिए आने से रोक सकते हो और अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी स्पाइनल मोबिलिटी एक्सरसाइज के बारे में। उसमें अंदर सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी कैट एंड कैमल। उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने उल्टे जैसे क्वाड्रीपोड पोजीशन, यानी कि दोनों हाथों और दोनों पैरों के ऊपर आ जाना है। जैसे आपने देखा होगा दादाजी एक बच्चे को कमर के ऊपर बिठा के जिस तरीके से घोड़ा बन के चलते हैं, उस पोजीशन के अंदर आपने आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करना है और अपनी कमर को धीरे धीरे आपने नीचे करना है। और ये बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल स्लो मूवमेंट के अंदर होना चाहिए। इससे आपका जो कर्वेचर है, जैसे ही आपकी गर्दन ऊपर जाए आपकी कमर नीचे की तरफ आनी चाहिए, और जैसे ही आपकी गर्दन नीचे जाए आपकी कमर जो है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इससे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और उसके अंदर जो प्रॉपर स्पेस है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में, जो है हमारी पेल्विक की रोटेशन। आपने खड़े होते हुए आपके कमर को घुमाते हुए बहुत लोग देखे होंगे, ये भी आपने कमर को घुमाना है लेकिन लेट के घुमाना है। इसके अंदर भी हमने क्वाड्रीपोड पोजीशन लेनी है, यानी कि ऑल फोर पोजीशन के अंदर आना है और अपनी कमर को रोटेट करना है। ध्यान रहे इस रोटेशन को भी आपने स्लो मोशन और रिदमिक मोशन के अंदर करना है, और 20 रेपिटेशन जो इसके हैं वो आपने क्लॉकवाइज पोजीशन में करने हैं और 20 रेपिटेशन आपने कड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में करने हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपका जो लोअर बैक है, यानी कि L1 से लेके L5 तक, वो काफी अच्छा मोबिलिटी के अंदर आता है, और साथ में आपका जो पेल्विस है, यानी कि जो आपकी कमर है, कूल्हे हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा स्पेस मेंटेन हो जाता है। किसी को अगर पिंचिंग पेन है, थोड़ा बहुत बैक के अंदर अकड़ाहट रहती है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए दी बेस्ट साबित होने वाली है। इससे आपकी अकड़ाहट भी कम होगी, थोड़ा बहुत अगर पिंचिंग का पेन है वो भी आपका काफी हद तक कम होने वाला है। और अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की, जो है हमारा कोबरा पोज। जी हाँ, योगा के अंदर आपने बहुत बार ये पोज देखा होगा, कोबरा पोज, जो हम स्पाइनल एक्सटेंशन बोल देते हैं, जिसे हम फिजियोथेरेपी में मैकेंजी एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी अगर डिस्क प्रोलैप्स भी हुआ हो, जी हाँ, अगर डिस्क का प्रोलैप्स भी हुआ हो, वो भी बाहर निकली हो, वो भी इस एक्सरसाइज से अंदर जा सकती है। लेकिन इसको करने से पहले एक चीज का ध्यान रखें कि आपका कोई भी पेन नीचे रेडिएट नहीं करना चाहिए। उसके साथ आपको लेग के अंदर और बैक के अंदर कोई शार्प पेन या नमनेस आपको नहीं जानी चाहिए। ये मूवमेंट आपकी स्मूथ होनी चाहिए। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से पहले अपनी गर्दन, फिर धीरे धीरे आपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, और लगभग इसका 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, और 8 से 10 रेपिटेशन आप इसके इजीली कर सकते हो। और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपकी कमर की जो स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ती है, और आपका जो डिस्क का प्रोलैप्स है, अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्क के अंदर बल्जेस आ रहे हैं, तो वो भी आपके काफी हद तक मेंटेन हो जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की, जो है हमारी थोरेसिक एंड लंबर रोटेशन एक्सरसाइज। आपने कभी कपड़े निचोड़ते हुए देखा है कि आप एक हाथ से कपड़े को एक तरफ निचोड़ते हैं, दूसरे हाथ से दूसरी तरफ, इसी तरीके से हमने बॉडी को भी थोड़ा निचोड़ना है। जी हाँ, इसके अंदर हमने क्या करना है, सीधा लेटना है, अपने दोनों लेग्स को आपस में जोड़ लेना है,
और आपने गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना है और दोनों लेग्स को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। इससे क्या होगा, एक स्पाइन के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है जिससे आपकी थोरेसिक की मूवमेंट, उसके साथ साथ आपकी लंबर की भी बहुत अच्छी मूवमेंट हो जाती है और इससे आपकी स्पाइन काफी अच्छी रोटेटरी मूवमेंट के अंदर आपको काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। और जिन लोगों को थोरेसिक के अंदर थोड़ा, यानी कि अपर बॉडी के अंदर थोड़ा सा अकड़ाहट फील होता है, साथ में लोअर बॉडी के अंदर भी स्टिफनेस रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। सो ये थे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज, जो है हमारी 11-1 एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत है, जो है हमारी एक बॉल। हमने इसके अंदर ये छोटी बॉल नहीं यूज करनी है, हमने इसके अंदर एक बड़ी बॉल यूज करनी है जिसे हम जिम बॉल कहते हैं। हमने उसके साथ क्या करना है, हमारी लेग्स को आपने 90-90 डिग्री पे उस बॉल के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने धीरे धीरे बॉल को लेफ्ट साइड रोटेट करना है और धीरे धीरे आपने इसको राइट साइड रोटेट करना है। जो आपकी लंबर की रोटेटरी मूवमेंट है वो काफी अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ आपके जो अब्डोमिनल मसल है, यानी कि जो आपकी पेट की मसल है, उसको भी वो ये साथ में एक्टिवेट करती है। सो इससे आपको डबल बेनिफिट होता है, आपकी कमर की मोबिलिटी के साथ साथ आपके अब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग भी इसके साथ होती है। सो कोर के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी 5 लंबर की दी बेस्ट एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारा अमेजिंग ट्रीटमेंट के लिए मैंने बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बनाई है, जिसके अंदर आपका हेडेक, माइग्रेन, आपका नेक पेन, आपका शोल्डर पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन और बैक पेन की ये सीरीज चल रही है जिसे आप देख रहे हो। सो इन सारी सीरीज का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले एक बार नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना छूटे। सर नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।